सुन ले, अरे हम तो वो किसान के बेटे हैं कि धरती का सीना चीर के अनाज उगा दे। अरे हमें तो इन बाबाओं ने रोक रखा, वरना हम तो संसद में भी खेत बना दे। हाँ मोदी जी, हमें डराता है पानी की बौछारों से, उसको बता देना मोदी जी को और योगी जी को कि हम तो उसके बेटे हैं जो सुबह उठ के कुल्ला करते हैं ट्यूबवेल की धारों से, तो ये डरा रहे हमें। और मोदी जी सुन लो कि तुम जो कितना भी देश को डिजिटल कर देना, गूगल से रोटी डाउनलोड कोई नहीं कर सकता, ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। अगर करा सकते तो करा लो, वरना भुक्के मार देंगे, आग लगा देंगे फसल में। फिर नागपुरिया भेज लियो वे कच्चेधारी बनियान वाले बॉर्डर पे, अगर हमने अपने बेटों को बुला लिया तो आरएसएस वाले चले जाइए वहाँ, जो नागपुर का आदेश या दे रहे हमें। हम तो किसान के बेटे, वहाँ भी लड़ेंगे यहाँ भी लड़ेंगे। विकलांगों का 11 करोड़ विकलांग है, अगर किसानों की मान मान ले, वरना तेरी जान को 17 मार्च को जंतर मंतर पे आ रहे तेरे चाचा विकलांग। और छाती रोक के दिखा दियो गोली, हम खाओगे। और हमारे वाले ना डरे किसी बाबा से, अरे ये कोई हनुमान जी तो है नहीं, सीना पाट के दिखा दे है। अरे किसान की क्या आईडी देखे है, आ जा अपने फुप्पाओं को भेज दे, तहसीलदारों को, सबकी आईडी ले लेगा, सब पे फरद आएगी। जब मुझे बुरसेट नहीं चाहिए तो ये क्यों मुझे बुरसेट दे रहे? अरे हम तो धोती कुर्ते में ठीक है, हैं बता दे भाई हैं। अरे जब हम तुझे नू कह रहे अगर मंदिर मत ना बनावे, तो जबरदस्ती मारे सिर पे मंदिर क्यों ठोक रहा? हम तो वहीं जमीन पे पूजा कर लेंगे बैठ के, अरे वहीं बैठ के हवन कर लेंगे, यहाँ कौन सा मंदिर है, दो दिन से हवन हो रहा, फकीर कैसे हो सकता है? ये बताए मोदी जी, मुझे बताए ना, 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है? और ये अपनी मेहनत से, अरे हमारे यहाँ तो 2-2 करोड़ के झोटे हैं, यो बात कर रहा। अरे ये जाट के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, इसे बिरादरी बाद में मत बांट दियो, वरना सुन ले मोदी सुन ले, अरे हम तो वो किसान के बेटे हैं कि धरती का सीना चीर के अनाज उगा दे। अरे हमें तो इन बाबाओं ने रोक रखा, वरना हम तो संसद में भी खेत बना दे। हाँ और ये मोदी और योगी, योगी जी भी सुन ले, क्योंकि उसने ही परेशान कर रखे, क्या 56 इंच का, अरे यहाँ तो हिटलर की नहीं चली, ये तो औकात क्या है, यहाँ रावण नहीं झुका, हमने वो भी ढा लिया था, तो इसकी तो औकात क्या? मोदी जी आपकी औकात क्या? अरे इन बाबाओं से एक बार कहलवा दे, इन्होंने तो नू भी कहा था दिल्ली नहीं घुसन दे, इनके बाप तो दिल्ली में भी बैठे, वे बैठे बुराड़ी में बैठे, और हम ये ना मटे नू के वे पंजाब के, और वे हरियाणा के, ये यूपी के, ये राजस्थान के। अगर ये रणनीति बनाना ये जाने ना 2% के आदमी, उसका बाप है हम किसान, उनसे ज्यादा रणनीति जाने, बुराड़ी के मैदान में बैठा के चारों माही से घेरना चाहवे, हम तो जाने। अरे यारो मुझे एक मिनट, जब मुझे बुरसेट नहीं चाहिए तो ये क्यों मुझे बुरसेट दे रहे? अरे हम तो धोती कुर्ते में ठीक है, हैं बता दे भाई हैं। अरे जब हम तुझे नू कह रहे अगर मंदिर मत ना बनावे, तो जबरदस्ती मारे सिर पे मंदिर क्यों ठोक रहा? हम तो वहीं जमीन पे पूजा कर लेंगे बैठ के, अरे वहीं बैठ के हवन कर लेंगे, यहाँ कौन सा मंदिर है, दो दिन से हवन हो रहा है। अरे घट घट में भगवान बसे हैं, इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर अल्लाह है, इसके अंदर राम है, इसके अंदर रहीम है, यहाँ है क्या? यहाँ तो सब एक है। और मोदी जी हमें डराता है पानी की बौछारों से, उसको बता देना मोदी जी को और योगी जी को कि हम तो उसके बेटे हैं जो सुबह उठ के कुल्ला करते हैं ट्यूबवेल की धारों से, तो ये डरा रहे हमें है? और इनको एक चीज और बता दूं, मैं एक किसान का बेटा, समाज सेवी हूँ हैं, और विकलांग हूँ, और यहाँ खड़ा हूँ 6 दिन से उस बॉर्डर पे था, सिंधु बॉर्डर पे था, और वहाँ से कल आया था, रात घर गया, कपड़े बदल के अब यहाँ आ गया, और यहीं रहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी तो ये किसान ही आए, आज हमने विकलांग दिवस का बहिष्कार कर रखा,
किसानों के समर्थन में, और सारों ने बहिष्कार करा। कहाँ है प्रोग्राम आज दिखावे मोदी विकलांगों का? 11 करोड़ विकलांग है अगर किसानों की मान मान ले, वरना तेरी जान को 17 मार्च को जंतर मंतर पे आ रहे तेरे चाचा विकलांग। और धर के चढ़ जाऊंगा, रोक के दिखा दियो गोली हम खाओगे। और हमारे वाले ना डरे किसी बाबा से, ना बाबा के कहने से रुके, ना चाचा के कहने से रुके, हम आवेंगे जंतर मंतर पे। और जवान और जवान कह रहे जवान, अरे जवान जय जवान है। अब चला रही है बड़ी मीडिया की जय जवान है किसान, तो क्या आप लोग भयभीत हो गए? सुन ले मोदी जी और योगी जी और वो राजनाथ जो कभी हम इसका सेना का मंत्री बना बैठा, और ये नरेंद्र तोमर क्या कर रहा था, टिकट ब्लैक कर रहा था नरेंद्र तोमर, आज कृषि मंत्री बन गया है। जिसे जो दो अंडे की पढ़ाई नहीं करते वो शिक्षा मंत्री बन जाए, इसमें पढ़े लिखे तो इसमें है ही ना, पढ़े लिखे दिखा यहाँ फिर रहे, MBBS भी फिर रहे इसमें, PhD भी है, हमें वहाँ पे बेकूफ न मानना है। और दूसरी चीज अरे ये कोई हनुमान जी तो है नहीं, सीना पाट के दिखा दे है। अरे किसान की क्या ID देखे है, आ जा अपने फुप्पाओं को भेज दे, तहसीलदारों को सबकी ID लेगा, सब पे फरद आएगी, तड़की से फरद भी लानी शुरू कर देंगे, बता और के चावे। पर ये बता दे कि एक हमारे यहाँ नरेंद्र, एक यहाँ गुजरमल मोदी है मोदी नगर में, वो गुज्जर है कौन सी बिरादरी का, और ये नरेंद्र मोदी है ये अपनी बिरादरी बता दे। अरे ये बिरादरी पे लड़ा के हमें लड़ा रहे, असली और नकली के हो? अरे जो खेती करे वो किसान, और कौन क्या लेना। और दूसरी चीज जय जवान, और मैं तो वो सिपाही हूँ बता दूं, 27 दिन तो मेरठ धरने में रहा था बब्बा टिकैत के साथ, 17 बार जेल गया उत्तर प्रदेश की, और 7 दिन तो हमें वोट के लप्पे भी रहा, हमने तो वो सरकार झुका दी थी, इसकी तो औकात क्या इस बार करना रहा एक सरकार पीछे हटने का मूड में पीछे। अरे देखिए ये लटोरी, ये तो बाबा ने आदेश दे रहे, अन्य पीछे हटा दे हम वो किसान है। हाँ ये बाबाओं ने रोक रखा, एक बार बाबा का आदेश करा दो, बाबा राकेश का आदेश करा दो टिकैत का। अरे छह, सुनो 6,000 योगी जी दे रहे, कितने रुपए महीना पड़ा? 500, एक कप चाय नहीं आती महीने पूरे महीने है। अरे जो जो देश का पेट पाल रहा उसे तो दे रहा 500 रुपए महीना, और जो वहाँ बैठ के सुल्फा पी रहे उसने 2,000 रुपए महीना, यो कौन सा कानून है भाई बता दो मुझे। काम की हर जगह है, अरे किसान तो काम करेगा और क्या भुक्का मारेगा। और ये कह रहे थे जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक जवान सीमा पे लड़ता था, किसान खेत में अन्न उगाता था, आज इसने वो काम कर दिया कि जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है, है? और इसको ये नहीं पता वहाँ हमारे बेटे भैया ही बैठे हैं। अरे ये सड़कों की बात कर रहा, ये तोप लगवा दे क्योंकि हिटलर है और अडानी अंबानी का दलाल है, इस कोरोना का डर दिखा के इन्होंने 250 टन तो सोना गिरवी रख दिया, कोई सा बैंक छोड़ दो 1,10,000 करोड़ एक बैंक से कर्जा ले लिया, 1,25,000 करोड़ एक बैंक से ले लिया, रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व रखा था इस कोरोना के लिए उसे भी लेकर पहले खा गया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ONGC बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और कौन कौन सा ना किसान और, रहा, किसान और, बेचने लग रहा और किसान पे अबे जमीन रह रही, बस इसे ही हो कमाई है कि किसान को अडानी और अंबानी का मजदूर बनाना चाह रहा, और इसे यो पता नहीं अब पढ़ा लिखा किसान है तेरी छाती पे पैर रख के भी दिल्ली आ जाएगा, अब मजदूर ना बने किसान, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये इसे बता देना मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक चीज और है, ये हमने गलती कर दी, अगर शादीशुदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते तो वो अपने मन की बात घरवाली से कर लेता, अब यो रणमुंडा ने बैठा दिए है।
अब ये अपनी मन की बात रेडियो पे ही करता फिर है। और मोदी जी सुन लो कि तुम जो कितना भी देश को डिजिटल कर देना, गूगल से रोटी डाउनलोड कोई नहीं कर सकता, ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। अगर करा सकते तो करा लो, वरना भूखे मार देंगे, आग लगा देंगे फसल में। और जिस दिन देश के किसान ने आग लगा दी फसल में, तेरी सेना खड़ी रह जाएगी और वो तो घर को चले आओगे। फिर नागपुरिया भेज लियो वे कच्चेधारी बनियान वाले बॉर्डर पे, अगर हमने अपने बेटों को बुला लिया तो आरएसएस वाले चले जाइए वहाँ, जो नागपुर का आदेश या दे रहे हमें। हम तो किसान के बेटे वहाँ भी लड़ेंगे यहाँ भी लड़ेंगे।